काम है। आपको इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च से सीनियर फेलोशिप के रूप में आप काम कर चुके हैं। सारा जीवन शिक्षा जगत को दिया हुआ है, आज वो रिटायर्ड होने के बाद भी अपना जीवन उसी तरह शिक्षा जगत को दे रहे हैं। जब तक मैं समझता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बहुत लंबी उम्र हो और ऐसे ही अपना जीवन जो है, जो शिक्षा की जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए वो देते रहे। आज हमारे बीच में है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, बहुत प्रशिक्षित विश्वविद्यालय है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स दिए हैं इस विश्वविद्यालय ने। आज उसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो अब रिटायर होने के बाद भी हमारे सभी को अपने ज्ञान से लाभान्वित कर रहे हैं, आज हमारे बीच हैं और काफी समय अब हमारे साथ रहेंगे। आप लोग सर के अनुभवों का, सर के ज्ञान का लाभ उठाइए। निश्चित रूप से सर वो चीजें आपको बताएंगे जो शायद आपको सीखने को मिले, शायद जानने को मिले। तो सर आपका स्वागत है और बच्चे हमारे आपके साथ में हैं, स्वागत सर। सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हेलो सर आ रही है आवाज सर, आ हमें रही सुन पा रहे हैं? नहीं आ सर, रही हम है सर तो सर से जी सर सर को मेरी आवाज आ आवाज आ रही है रही है सर। बात सर। अरे हमारे जो आज अरे के जो आपने हमारे मुख्य अतिथि है एक्सपर्ट के रूप में, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। सर सर हमारी आवाज आ रही है आपको? कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है, थोड़ी दूर आप जुड़े रहें, वहां भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक जी है, सर सर जुड़े हुए हैं लेकिन बस ये है कि शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आवाज नहीं आ रही है। तो जो मम्मी तो रहा है हाँ जी, सर वही वही लग रहा है, वही वही लग रहा है। ठीक, अच्छा ठीक सर, ठीक, ठीक सर, वो ठीक सर, ठीक सर, ठीक। सर बहुत बहुत ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा कनेक्शन वहाँ वीक है इंदौर में, तो सर जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा वेट करें। हाँ तो अभी हेमंत, और एक बात ध्यान रखना है कि सब लोगों को अपने जो माइक्रोफोन है वो ऑफ रखने हैं क्लास के दौरान। जो कुछ भी आपको पूछना है लास्ट 15 मिनट में आप जो है उस सर से, जो भी आपकी क्वेरी है, जिज्ञासा है, आप सर से पूछिएगा। ठीक है, तो हाँ हिमांशु कुछ कह रहे थे, बताओ हिमांशु। हिमांशु सर। सर कल हमारा कल अटेंडेंस नहीं हो पाया था कहाँ रह गए थे कल? सर, जुड़ नहीं पाए थे सर, पता नहीं नेटवर्क बहुत इशू बहुत था, लेट आए काफी थे, ट्राई किए। बहुत लेट आए थे। हाँ सर, यस सर, लेट तो बहुत थे सर, बड़ी मुश्किल ऐसा से मत जुड़ करिए पाए थे सर, सर। हमारा हो गया था। हाँ हो गया सर हमारा अटेंडेंस हो गया था कल। जी, हो गया भैया, हो गया था। सर सर नीलेश एक कुमार रिक्वेस्ट आज है लग गई मेरी अटेंडेंस सर। जी, लग गई मेरा मनी लग गई है। हाँ सर बोलो हम ये क्या कह रहे रिक्वेस्ट थे है। कि होने के बाद सर इस दिन थोड़ा सर हम लोग को प्रिया ब्रेक दे तिवारी देंगे, तो मेरी ग्रुप लग गई परेशान ना है हो, सर, तो हम लोग चिंता रहती है तो नहीं कि जयसिंह का हुआ है कि देख नहीं लेना हुआ है, सर, क्लियर हो जाएगा एक बार, तो हम लोग सर परेशान ना करें आपको। जयसिंह का आज का देख थोड़ा लेना। समय से जुड़ने की कोशिश करिए। हाँ सर ठीक है, प्रिया ठीक है तिवारी सर, मेरी प्रिया लग गई तिवारी है लग सर। जाएगी। हाँ लग जाएगी, लेकिन समय से जुड़ने की कोशिश करिए प्रिया। सर वो हो वाली सकती है मीटिंग सर लग में जाए। थे, लगा ठीक, दीजिए पे, उस वाली मीटिंग में थे सर, रुचिता कुशवाहा। सर डिपार्टमेंट में ही है। मुझे मालूम है। सर रुचिता कुशवाहा लगा दीजिए। ठीक है रुचिता, समय से आइए कल से। ठीक है, 10 मिनट पहले जुड़िए, यस सर, आवाज समय था।
मैं 2 बार अटेंडेंस लेता हूँ इसीलिए। कहीं मेरे से किसी का नुकसान ना हो जाए, बस यही सोचता हूँ। मेरी भी सर श्वेता तिवारी। हाँ सर आ चुके हैं, आप लोग अपने माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए। वेलकम सर, स्वागत है आपका। कनेक्शन वहाँ थोड़ा सा बहुत वीक है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। सर का अनम्यूट नहीं सर। हाँ सर, हेलो। उसको सर ने खुद ही अनम्यूट कर रखा हो। सर म्यूट है सर, कॉल कर लीजिए यस सर। यस सर, आपका माइक्रोफोन अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओ अच्छा, जी सर मेरा आप कॉल म्यूट करिए था। सर को। ओके, अभी एम आई ऑडिबल सुना हाँ इटली ओके क्लास ओके 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 हमको। सर, ओके ओके सर, ओके। हाँ यस सर, ऑडिबल। प्रणाम सर, प्रणाम सर, हाँ आपका अनम्यूट था सर। सर। तो सैनी जी शुरू करूँ मैं? सैनी जी यस सर, स्वागत है, वेलकम सर, वेलकम। हाँ, तो आपकी तरफ से तो हो गया, तो अब मैं शुरू करता हूँ मेरी तरफ से। तो वेलकम सर, सबसे पहले मैं छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मुनेश कुमार, डॉक्टर सैनी, इनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ रूबरू हो सकूँ और बातचीत कर सकूँ, अपने विचार साझा कर सकूँ। तो मैं, जैसा कि आपको शायद डॉक्टर सैनी ने बताया हो कि मेरा क्या एजेंडा है, मैं क्या करूंगा अगले 10 दिन तक, फिर से मैं एक बार आपके साथ शेयर करता हूं मैं 10 दिन क्या करूंगा, और फिर आज हम क्या करेंगे ये हम शेयर करते हैं। बीच में मेरा नेटवर्क अगर चला जाए तो कोई ना कोई डॉक्टर सैनी अगर मौजूद होंगे तो वो मुझे कॉल कर लें, अदरवाइज आप में से कोई मेरे पास, मतलब जिसके पास मेरा नंबर हो तो मुझे कॉल करके बता दें। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अपनी। ये दिख रहा है आपको? हाँ सर, यस जी मेरा ये एक सर, जी सर, कार्यक्रम है अगले 10 दिनों के लिए। आज हम करेंगे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट टू टेल्ड। ये आपको मिल गया प्रोग्राम या नहीं? यस यस सर, मिल चुका मिल गया है, है, तो मिल बस फिर गया मुझे मिल गया दिखाने की जरूरत नहीं है, फिर मैं बंद करूं। तो हम टी टेस्ट करेंगे, एनोवा करेंगे, के काई स्क्वायर करेंगे, कोरिलेशन करेंगे, और टू वे एनोवा और एनकोवा, ये हम करेंगे। बीच बीच में आपको डिस्पर्शन की बात भी होगी, वेरायंस की बात होगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी, ये सारी चीजें बीच बीच में इनके दौरान होंगी। ओके, तो आपको मालूम है, तो मैं सीधा अपने आज के काम पर आ जाता हूँ। आज हम करेंगे, देखिए ये है आज का टॉपिक है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, और हम SPSS में करेंगे, और हम आपके, क्योंकि सिलेबस में जिक्र है एक्सेल का भी और आर का भी, तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि मैंने एक्सेल नहीं सीखा था, मुझे पता नहीं था एक्सेल क्या होता है। आज ही मैंने देखा, मैंने कहा देख लेता हूं मैं, क्योंकि आपके सिलेबस में एक्सेल भी लिखा हुआ है। आर का मुझे थोड़ा सा एक्सपोजर हल्का सा है, लेकिन मैं जनरली यूज करता हूँ SPSS, और मैंने देखा कि एक्सेल जो है वो
भी बहुत आसान है, उसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। अगर एक्सेल से बताना हो तो बताया जा सकता है आराम से, लेकिन मुख्य चीज जो है, चाहे आप कैलकुलेटर यूज करो, चाहे आप कंप्यूटर यूज करो, चाहे आप टाइपराइटर यूज करो, चाहे आप ये जो एसपीएस लैपटॉप यूज करो, आपको जो आउटपुट है वो वही मिलनी है। और आपको ये समझना जरूरी है कि यहाँ इस परिस्थिति में कौन सा टेस्ट लगाया जाना चाहिए, इस टेस्ट को लगाने के लिए इसकी अजम्पशंस कैसे टेस्ट की जानी चाहिए, और इसकी जो नतीजे हैं वो कैसे प्राप्त किए जाने चाहिए आउटपुट। और उस आउटपुट का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसका हेड एंड टेल, सिर पैर, उसका अर्थ, उसका व्याख्या, इंटरप्रिटेशन, ये करना आना चाहिए। तो आप किसी से भी करें, ये बात दीगर है, महत्वपूर्ण इतनी नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आप जो काम कर रहे हैं वो कितना कुशलता पूर्वक कर रहे हैं, और उस काम में मुख्य चीज है कि आपको ये पता हो कि क्या लगाना है और कैसे लगाना है, और लगाने के बाद क्या मिलना है आपको, और वो जो मिलेगा उसका आपको क्या करना है। ये सब जगह एक ही चीज है। तो मैं आपको कहोगे तो आपको एक्सेल का भी हल्का सा बता दूंगा, पर ज्यादा उसका कोई वो नहीं है, कोई बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। तो मैं आज इंडिपेंडेंट सेपरेट टी टेस्ट की बात करूंगा, और जैसे मैंने अभी कहा कि मैं एसपीएसएस यूज करता हूं, तो एसपीएसएस से मैं कराऊंगा। तो मेरा आज का एजेंडा क्या है, मेरा ओवरव्यू प्रेजेंटेशन का ये है कि हम देखेंगे सबसे पहले कि इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की विशेषताएं क्या हैं, ये कब लगाया जाता है, किस सिचुएशन में लगाया जाता है। मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो इंग्लिश में बना हुआ है, लेकिन मैं बोलूंगा हिंदी में ताकि दोनों माध्यमों के विद्यार्थियों को वो हो जाए, फायदा पहुंचे। तो हम विशेषताएं पढ़ेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि टी टेस्ट की एजम्पशंस क्या होती हैं। किसी भी सांख्यिकीय परीक्षण को लगाने से पहले हमें यह तय करना पड़ेगा, पुष्टि करनी पड़ेगी कि उसकी अवधारणाएं पूरी होती हैं या नहीं। अवधारणाएं वो आवश्यक शर्तें हैं, वो प्रतिबंध हैं जो कि किसी टेस्ट को लगाने के लिए आवश्यक होते हैं। वो क्या हैं टी टेस्ट के लिए, और उनको कैसे टेस्ट करेंगे ये हम देखेंगे। नेक्स्ट है कि एसपीएसएस के माध्यम से हम उन एजम्पशंस को कैसे टेस्ट करेंगे कि हमारा डेटा वो अवधारणाएं पूरी करता है या नहीं। फिर हम एक नई चीज पढ़ेंगे, नई इन द सेंस कि आप लोगों के और हम लोगों के किताबों में नहीं मिलती नॉर्मली, पर आजकल शोध साहित्य में, रिसर्च लिटरेचर में, पेपर पब्लिकेशन में सब जगह देखने को मिलती है, और उसका नाम है इफेक्ट साइज या प्रभाव आकार। तो प्रभाव आकार क्या है, और ये क्या काम करता है, और ये कैसे निकालते हैं, कैसे इसकी व्याख्या की जाती है, ये हम देखेंगे। इसके बाद हम डेटा में टू टेल टेस्ट लगाएंगे। टी टेस्ट दो प्रकार के होते हैं, एक है टू टेल्ड। दरअसल कोई भी चीज जहां दो सैंपल हैं वहां एक तो टू टेल टेस्ट लगता है और एक वन टेल लगता है। टू टेल टेस्ट जब लगता है जबकि हम दिशा के बारे में ज्यादा हमें चिंता नहीं है, दो सैंपल हैं, इन सैंपल दिया, दो मीन है हमारे पास, इनमें से कौन सा मीन किससे ज्यादा बड़ा है, किससे छोटा है, वो हमारा ज्यादा वो नहीं है, इंटरेस्ट, रुचि का विषय नहीं है। हमारा रुचि का विषय है कि ये क्या एक है या अलग है। तो ये है टू टेल टेस्ट। तो जब हम शून्य परिकल्पना बनाते हैं तो हम लगाते हैं टू टेल टेस्ट। जब हम दिशा भी तय कर लेते हैं पहले, तो हम लगा वो स्टेट का हम बयान करते हैं अपनी डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, दिशाई परिकल्पना, सदिश परिकल्पना, और इस परिकल्पना के टेस्ट के लिए वन टेल टेस्ट हम लगाते हैं जो हम कल पढ़ेंगे। तो दोनों चीजें आपको बताई जाएंगी, टू टेल टेस्ट और वन टेल टेस्ट। ये जब है जब शून्य परिकल्पना बनाई जाए, ये जब है जब दिशाई परिकल्पना बनाई जाए। अब यहाँ बहुत सारी चीजें मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि आपको मालूम होंगी, क्यों, क्योंकि मैं एग्जाम से शुरू कर रहा हूँ इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट से। इससे पहले मैंने कि क्योंकि मेरे पास समय सीमित है, तो
तो मुझे अपना बजट बनाना है कि मुझे इतने कम समय में मैं किस तरीके से आपको कुछ खास खास बातें बता सकता हूँ जो कि आपके काम आए ज्यादा से ज्यादा। जैसे मैं दूसरी जगह पढ़ा रहा हूँ, वहां मैंने इंडिपेंडेंट टेस्ट आने से पहले 3 लेक्चर लिए, क्योंकि मुझे वहां 15 लेक्चर मिले, यहाँ मुझे 10 लेक्चर मिले हैं। अपने डिपार्टमेंट में 48 लेक्चर लेता हूँ, तो देख लीजिए कि किस तरीके से क्या टाइम क्रंच कितना है और उस समय में कैसे गुजारा करना है। तो फिर हम देखेंगे कि शोध उद्देश्य इसके और शून्य परिकल्पना कैसे लिखी जाती है, किसकी टी टेस्ट के लिए, टी टेस्ट के लिए उपयुक्त शोध उद्देश्य और परिकल्पना, शून्य परिकल्पना और दिशाई परिकल्पना। दिशाई कल पढ़ेंगे, आज शून्य। और फिर जो आउटपुट आएगी उसकी व्याख्या करना सीखेंगे, और मैं कुछ रेफरेंसेस जो कि मैं बीच में यूज करूंगा वो आपको बाद में बताऊंगा। तो अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं टी टेस्ट की किस सिचुएशन में लगता है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। टी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो टू सैंपल टेस्ट है, दो आदर्श परीक्षण है। इसमें हमारे पास दो समूह होते हैं, टू सैंपल्स, दो समूह, टू ग्रुप्स, लड़के और लड़की, मेल और फीमेल, रूरल और अर्बन, ट्रेंड और अनट्रेंड के, और आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, एवरेज, अबव एवरेज इंटेलिजेंट और बिलो एवरेज इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये इस तरीके से आपके दो समूह बन रहे हैं। छठी क्लास के बच्चे और सातवीं क्लास के बच्चे के। तो ये सारी सिचुएशन है टू सैंपल। तो ये एक टू सैंपल टेस्ट है, ऐसे कई सैंपल, मैनी सैंपल टेस्ट भी हो सकते हैं। तो टेस्ट जो है उन्हें हम ऐसे बंटवारा कर सकते हैं कि वन सैंपल, सॉरी टी नहीं, ये टेस्ट है, टू सैंपल और के सैंपल, के मतलब दो से ज्यादा। तो टी टेस्ट यहाँ पे आता है, जैसे काई स्क्वायर टेस्ट है वो वन सैंपल टेस्ट भी है, टू सैंपल टेस्ट भी है और के सैंपल टेस्ट भी है, काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, तो ये इसमें दो समूह होते हैं, खास बात ये है। और ये दो माध्यों की तुलना करता है, इन दो समूहों से हमें जो दो मीन मिलते हैं उनकी ये तुलना करने का परीक्षण है कि किसका मीन ज्यादा है किसका मीन कम है, सार्थक रूप से पॉपुलेशन में, सैंपल में नहीं। और ये जो दो सैंपल है ये इंडिपेंडेंट सैंपल होते हैं। इंडिपेंडेंट सैंपल का मतलब है कि अगर एक समूह में ये है ग्रुप 1 और ये है ग्रुप 2, तो इसमें कौन चुना जाएगा और इसमें कौन चुना जाएगा, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। ये है लड़के, ग्रुप 1 है मेल का, ग्रुप 2 है फीमेल का। तो इन लड़कों में से एक लड़का चुना जाना है, रमेश। और इधर जो है लड़कियों में से एक लड़की चुनी जानी है, मान लीजिए सीमा के। और द चॉइस ऑफ सीमा, सिलेक्शन ऑफ सीमा इज नॉट अफेक्टेड इन एनी वे बाय सिलेक्शन ऑफ रमेश। इन दोनों का कोई इनके सिलेक्शन को प्रभावित नहीं करते, तो ये स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र कब नहीं होते, जब हम ऐसे चुनते हैं कि इधर लिया एक एक्स और इधर लिया इसका ट्विन एक्स डैश, इधर लिया ट्विन और इधर लिया दूसरा कोई, तो ट्विन में से एक इधर ले रहे हैं एक इधर ले रहे हैं, तो ये रिलेटेड है क्योंकि आपने यहाँ एक्स लिया है तो यहाँ एक्स डैश लिया जाएगा। अगर इस तरीके का आपने देखा हो कि एक ही सिंगल ग्रुप टेस्टेड ट्वाइस, सिंगल ग्रुप टेस्टेड ट्वाइस, पहले मुझे ही, मेरा ही पहले टेम्परेचर लिया, फिर मुझे ही दवाई दी और मेरा ही फिर से टेम्परेचर लिया, तो यहाँ भी मैं हूँ यहाँ भी मैं हूँ, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो इस ग्रुप में कौन सेलेक्ट हो रहा है, वही जो इस ग्रुप में है।
तो ये है रिलेटेड सैंपल। तो इसमें शर्त यह है, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, कि यहां सैंपल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। नेक्स्ट है, ये टेस्ट करते हैं कि क्या दो सैंपल सेम पॉपुलेशन आए हैं जिसका मीन सेम है, मतलब दो माध्यों के बीच के अंतर की सार्थकता की जांच ये टी टेस्ट करता है। इसमें दो चर होते हैं, एक चर है जिसके बेस पर ग्रुप बन रहे हैं और दूसरा चर है वो जिसके की मीन निकल रहे हैं। तो एक वेरिएबल है वन स्केल वेरिएबल, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड वन डाइकोटमस ग्रुपिंग वेरिएबल। तो दो वेरिएबल है, जिस एक वेरिएबल है जिसके बेस पर मेल और फीमेल दो समूह बन रहे हैं, ये है जेंडर, और दूसरा है जो वो है आपका एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट हम देख रहे हैं, एडजस्टमेंट मेल और फीमेल में, मेल और फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन में एडजस्टमेंट देख रहे हैं। तो एडजस्टमेंट हो गया हमारा स्केल वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, क्योंकि इसके मीन हम कंपेयर करेंगे, इसके निकलेंगे मीन, और दूसरा वेरिएबल है जेंडर, इसके बेस पर बन रहे हैं दो समूह। तो दरअसल हमारे पास सिचुएशन ऐसी होती है, इसमें सिचुएशन ऐसी होगी, ये एक शोध सिचुएशन है, कंपेयरिंग टीचिंग कॉम्पिटेंसी ऑफ मेल टीचर्स विद दैट ऑफ फीमेल टीचर्स। हमारे पास मेल टीचर्स हैं, फीमेल टीचर्स हैं, इनकी हम टीचिंग कॉम्पिटेंसी शिक्षण दक्षता की वो करना चाहते हैं कंपेयर। तो इनके टीचिंग कॉम्पिटेंसी के स्कोर हैं, इनके भी टीचिंग कॉम्पिटेंसी के स्कोर हैं, जरूरी नहीं मेल और फीमेल बराबर हो। तो ये काहे के स्कोर है, टीचिंग कॉम्पिटेंसी, ये काहे के स्कोर है सेम टीचिंग कॉम्पिटेंसी। तो इसका टीचिंग कॉम्पिटेंसी का माध्य आ जाएगा माध्य, इसका भी हम माध्य निकाल लेंगे। तो ये माध्य मान लीजिए M1 है, माध्य M2 है। तो इन दोनों को हम तुलना करना चाह रहे हैं कि मीन वन और मीन टू में से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, क्या ये दोनों स्टैटिस्टिकली समान है। ये सिचुएशन है टी टेस्ट के लिए। अब है इसकी, टी टेस्ट को लगाने से पहले उसकी कुछ एजम्पशंस पूरी होनी चाहिए। वो एजम्पशंस क्या है? वो एजम्पशंस हैं कि रैंडम सैंपल होने चाहिए। ये जो सिलेक्शन है, हम मेल ले रहे हैं 10, फीमेल ले रहे हैं 15, तो ये रैंडमली सिलेक्टेड होने चाहिए, बायस नहीं। दूसरा, ये इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन अभी बताया कि ये दोनों दो स्वतंत्र समूह होने चाहिए, एक में कौन सेलेक्ट हो रहा इससे दूसरा प्रभावित नहीं होना चाहिए, इस तरह की वो होनी चाहिए सिचुएशन। तीसरा, वही एक वेरिएबल जो है वो स्केल का होना चाहिए जिसका मीन निकाला जाएगा, जिसके मीन्स आएंगे, और दूसरा वेरिएबल ग्रुपिंग वेरिएबल होना चाहिए। ये जो है, ये तो देखने वाली चीजें हैं, ये ऑब्जर्व की जा सकती हैं, इनमें कुछ स्टैटिस्टिक लगाने की जरूरत नहीं है। आप सैम्पलिंग देख लीजिए कैसे सैम्पलिंग की गई है, आप टूल्स देख लीजिए, टूल्स डेटा कलेक्शन टूल जो है कौन से इस्तेमाल हुए हैं, उससे आप देख पाओगे कि ये चारों पूरी हो रही है नहीं। अगर मान लीजिए आपका टूल है टेस्ट, तो वो आपको स्केल वेरिएबल दे देगा। अगर आपका टूल है स्केल, तो वो आपको स्केल वेरिएबल दे देगा। अगर आपका टूल है ऑब्जर्वेशन, तो उससे आपको स्केल वेरिएबल नहीं मिलेगा। अगर आपका टूल है क्वेश्चनर, तो इससे आपको स्केल वेरिएबल नहीं मिलेगा। तो आपके टूल की जांच से, टूल को देखने से अपने को पता लगा सकते हैं कि हमें डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा स्केल वेरिएबल है या नहीं। डायकोटमस ग्रुपिंग वेरिएबल, ये उससे पता लग जाएगा दूसरा वेरिएबल क्या आपका। अब हम नेक्स्ट पर आ रहे हैं, वो है जो ऐसी विशेषताएं, ऐसी अवधारणाएं जिन्हें स्टैटिस्टिक्स द्वारा जांचा जाता है।
और वो है ये नॉर्मेलिटी ऑफ स्कोर्स ऑफ आउटकम वेरिएबल। अभी मैंने एग्जांपल दिया था एडजस्टमेंट स्कोर ना, मेल एंड फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन, फीमेल स्पोर्ट पर्सन, ओके, ये इनके एडजस्टमेंट स्कोर्स हैं हमारे पास। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ग्रुप के नॉर्मल होना चाहिए, ये भी नॉर्मल होना चाहिए। अभी देखेंगे कि नॉर्मल क्या होता है और कैसे पता लगाया जाता है, पर ये एक वो है अवधारणा। इसी तरीके से ये जो दो आंकड़े आंकड़ों का वितरण है, इन दोनों की वेरायंसेस समान होनी चाहिए, इक्वलिटी ऑफ वेरायंसेस। इन दोनों का जो स्प्रेड है, इन दोनों का जो फैलाव है, आंकड़ों का जो छितराव है, वो समान होना चाहिए लगभग। और वो छितराव का एक माप है वेरायंस, वेरायंस होती है स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। तो एक समूह का वेरायंस दूसरे समूह के वेरायंस से बराबर होना चाहिए, ओके। तो ये कैसे पता लगता है, ये पर ये एक अवधारणा है जो कि हमें जांचनी पड़ेगी टी टेस्ट लगाने से पहले, और सिग्निफिकेंट आउटलियर नहीं होनी चाहिए, एब्सेंस ऑफ सिग्निफिकेंट आउटलियर। आउटलियर का क्या मतलब है, आउटलियर का मतलब है कि कोई आंकड़ा इन आंकड़ों में से कोई आंकड़ा अन्य आंकड़ों से बहुत ज्यादा बड़ा या बहुत ज्यादा छोटा तो नहीं है। जैसे एडजस्टमेंट स्कोर है ये 11, 15, 20, 21, 23, 32 और एक का है 99। तो ये 11, 15, 11 से लेके 32 तक है और ये महाशय है इनका है 99। तो ये अन्य सभी के मुकाबले ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। या इसका उल्टा है वो कि किसी के सबके हैं 78, 82, 91, 90, 75 ना, 79 और एक का है 15। तो ये आउटलियर है, ये एक्सट्रीमली स्मॉल स्कोर है, ये एक्सट्रीमली लार्ज स्कोर है। तो इन्हें कहते हैं आउटलियर। आउटलियर मतलब छोरों के आंकड़े, किनारे के आंकड़े, अलग, बिल्कुल अलग, अलग थलग जैसे पड़े हुए कहते हैं वो हैं। तो ऐसे नहीं होने चाहिए क्योंकि ये माध्यों को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। तो ये तीन शर्तें, तीन वो हैं एजम्पशंस जिनको कि हम स्टैटिस्टिकली देखने की जरूरत है, ऊपर वाले चार को स्टैटिस्टिकली देखने की जरूरत नहीं है। तो हम आएंगे कैसे देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम ले रहे हैं एक एग्जाम्पल और बता रहे हैं कि एसपीएसएस में डेटा कैसे डाले जाते हैं टी टेस्ट के। तो ये टी टेस्ट की एक सिचुएशन है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है इसलिए कि समय कम लगे। नॉर्मली एक समूह में आंकड़े 25-30 कम से कम होंगे, 30 से कम नहीं होंगे, ओके। 100 भी हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। तो 200 आंकड़े यहाँ अगर मैं डालने लगूं तो उसमें कम से कम 20 मिनट तो लगेंगे, 200 इधर, 200 इधर, 400 में। तो 20 मिनट मेरे लेक्चर में से 20 मिनट ये यहाँ चले गए, तो फिर आगे क्या गुजारा कैसे होगा। तो इसलिए मैंने ये छोटे छोटे 3-4 खोल लिए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये डाटा कैसे एंटर होगा एसपीएसएस में। तो इसके लिए आपके पास एसपीएसएस होना जरूरी है, लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में, आपकी लाइब्रेरी उसमें कंप्यूटर लैब में। मैं इसका एक फोटो खींच रहा हूँ ताकि मैं यहाँ से फिर वो करूँगा, शिफ्ट कर जाऊंगा। हाँ, अब मैं आपको एसपीएसएस में लिए चलता हूं और ये एसपीएसएस है हमारा यहां पर। तो देखिए ये आंकड़े हैं जो हमें एसपीएसएस में एंटर करने हैं। इन आंकड़ों में हमारे पास हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के और अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थियों के, 9वीं क्लास के बच्चे हैं, 9th ग्रेडर्स, उनके साइंस अचीवमेंट के स्कोर हैं। तो हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक है साइंस अचीवमेंट और दूसरा है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन।
मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है ये ग्रुपिंग वेरिएबल है, इसके बेस पर दो ग्रुप बन रहे हैं, एक हिंदी मीडियम और एक इंग्लिश मीडियम। साइंस अचीवमेंट ये स्केल वेरिएबल है जिसके नंबर आ रहे हैं हमारे पास, है ना, 3, 4, 5, 6, 7, ये भी साइंस अचीवमेंट है इनके। यहाँ पर बाई चांस दोनों बराबर हैं लेकिन जरूरी नहीं कि बराबर हों। तो हमारे पास 7 हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, 7 अंग्रेजी मीडियम के, 2 चर हैं। तो सबसे पहले हमें एसपीएसएस में ये बताना होता है कि हमारे पास कितने चर हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन वेरिएबल, तो ये है वेरिएबल व्यू और ये है डेटा व्यू। वेरिएबल व्यू, डेटा व्यू, ये दो चीजें इसके अंदर हैं। और ये फाइल एडिट, व्यू, डेटा, ये बाकी चीजें हैं, ये धीरे धीरे पता लगेगा क्या है। तो हम सबसे सर पहले स्क्रीन नहीं शो हो रही वेरिएबल आपकी, देखते हैं। सर स्क्रीन फुल दिख नहीं रही है सर, हाँ सर सर, स्क्रीन स्क्रीन दिख नहीं रही है नहीं फुल। रही, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या नहीं, शेयर तो हो रही है सर, मतलब दिख नहीं रही है, क्या सर? स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रही मतलब है हुआ भाई, शेयर हो सर, रही है स्क्रीन कि शेयर ही नहीं हो रही है, दिख रही है आप अपने डिवाइस मैं पूरी एक बार दोबारा से फिर से दिखाई दे रही है भाई, अपने एंड पे देखिए आप लोग, मैं स्टॉप करके फिर एक बार दिख तो चला रहा रही हूँ है। ना। ये मैंने अभी स्टॉप शेयर किया है और मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा आपको आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर, आ आवाज तो आ रही रही आवाज, है, प्रेजेंटेशन एक भी अच्छा आ सेकंड रहा सर, आवाज आ रही है। था। अभी मैंने स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप की है, अभी मैं फिर से कर रहा हूं दोबारा से, है ना। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, आप अपना नेटवर्क सही कर लीजिए, मैं कोई इंजीनियर तो होने की, मैं नेटवर्क सही कर लूंगा, मैं ट्राई कर सकता हूँ। अभी मैंने मोबाइल से यूज किया हुआ है। आपको अगर आवाज ठीक से नहीं आ रही तो एक सेकंड, सर मैं अब दोबारा से, फिर सर सब मैं दोबारा से वाईफाई सर के, सब कुछ क्लियर है सब सर सर, सब क्लियर क्लियर है, सब ठीक है? यस सर, ठीक है, जी नहीं सर, जी तो मैं सर, ठीक है, इसको मोबाइल से हटा जी के वाईफाई भी फिर देखता हूँ। ओके ओके ठीक है, तो मैं शेयर कर रहा हूँ फिर से। अब बोलिए, दिख रही है स्क्रीन? जी सर, अब सर, दिख यस दिख रही है, सर, यस सर, दिख रही है। अब ये देखिए, ये दिख हाँ रही है सर, क्या? जी अच्छा सर, ठीक हाँ है, सर, दिख रही है सर, दिख रही है यस सर, सर। तो अब हम इसमें वेरिएबल व्यू में जाएंगे। यहाँ तो एक्सप्रेशन वेरिएबल व्यू, ये येलो जो हो रहा है ये वेरिएबल व्यू है। तो हम यहाँ पूछ रहा है कि वेरिएबल डिफाइन करो, तो नाम वेरिएबल का लिखना पड़ेगा यहाँ हमें, नेम। ठीक है, तो हमारे दो वेरिएबल कौन कौन से हैं बताइए। हिंदी मीडियम, अभी हिंदी इस डेटा में दो मीडियम और वेरिएबल इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। वो तो नहीं ग्रुप सर, ऑफ एक मीडियम अचीवमेंट है, एक एंड साइंस मीडियम है, एक सर, साइंस मीडियम अचीवमेंट एंड साइंस एक अचीवमेंट, ठीक है, एक मीडियम एक साइंस साइंस और एक अचीवमेंट और अचीवमेंट मीडियम। है, बिल्कुल सही। तो यहां मैं लिख रहा हूं पहले साइंस अचीवमेंट। अब साइंस अचीवमेंट अगर आप लिखोगे SCIENCE, ये साइंस का मैंने, अब अगर मैं स्पेस दूंगा तो स्पेस एक्सेप्ट नहीं करेगा अचीवमेंट, क्योंकि ये वेरिएबल नाम ऐसे लिखने होते हैं कि यहाँ स्पेस ना दी जाए। इसमें मैं सीधा लिखता हूँ साइंस अचीवमेंट रनिंग में, ओके, और बाहर कहीं भी क्लिक कर दूं। तो ये बाहर क्लिक करने का मतलब है बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें आ गई। इसमें मुझे यहाँ ये बताना है मेजर में कि ये स्केल वेरिएबल है। तो इस मेजर वाले में राइट कॉर्नर में यहाँ क्लिक करेंगे तो ये स्केल ऑर्डिनल नॉमिनल, तो ये क्योंकि इसके इस वैल्यू आ रही है, इसके स्कोर आ रहे हैं, तो ये स्केल वेरिएबल है। दूसरा वेरिएबल मेरा मीडियम, तो मैं यहाँ लिखू मीडियम और डिटेल में यहाँ लिख लेता हूँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यहाँ वो एक्सेप्ट करेगा।
मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टेबल में। अब ये वेरिएबल जो है ये नॉमिनल स्केल का, क्योंकि इसमें स्कोर वैसे नहीं है, कंटिन्यूअस स्कोर नहीं है 11, 12, 14, इसमें या तो मेल है फीमेल है, ऐसे या तो हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम है। तो यहाँ ऐसे वेरिएबल को वैल्यू देंगे हम कि हिंदी मीडियम मतलब क्या न्यूमेरिकल वैल्यू देनी पड़ती है। तो हिंदी मीडियम को मैं कह रहा हूँ एक है, एक हिंदी मीडियम, 1, 2, 0, 1 कुछ भी दे सकते हैं, एक है हिंदी मीडियम और एड 2 है इंग्लिश मीडियम। अगर मान लीजिए 3 होते तो एक और ऐड करते, तीसरा है उर्दू मीडियम, चौथा है पंजाबी मीडियम, ऐसे। पर हमारे पास 2 ही है, टी टेस्ट में 2 ही ग्रुप होते हैं, तो यहाँ ओके कर दिया। अब आप डेटा व्यू में चले आइए, ये काम हो गया आपका पूरा। तो डेटा व्यू, तो ये जो ये वी ए आर, ये जो कॉलम है ये वेरिएबल है असल में, वेरिएबल। और ये जो रो है ये है सब्जेक्ट, सैंपल, सैंपल सब्जेक्ट 1, सैंपल सब्जेक्ट 2, सैंपल सब्जेक्ट 3, सैंपल सब्जेक्ट 4। तो हमारे यहाँ पर 14 सैंपल्स आए, जाए तो 14 रो में डाटा आएगा। क्यों? क्योंकि 7 जो है वो हिंदी मीडियम के हैं, 7 अंग्रेजी। तो सबसे पहले मैं यहाँ बढ़ता हूँ हिंदी मीडियम में, 7 में बढ़ता हूँ मैं, एक 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 लिखोगे तो हिंदी मीडियम आ गया। तो 7, एक एंटर, एक एंटर, और बाकी के 7 अंग्रेजी है, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2। अब इसको यहाँ व्यू में चाहो तो लेबल हटा सकते हैं, ये 1 to 1 to ही आएगा, 7 1 है और बाकी 7 2 है। अब साइंस अचीवमेंट बढ़ने हैं तो ये मैंने अब वहां देखना पड़ेगा मुझे बार बार, तो मैं यहाँ फोटो जो मैंने ली थी वहां देखता हूँ। ये है पहला, ये हिंदी वालों के स्कोर है 23, 23 लिखा, एंटर मार दिया, 45 एंटर, 65 एंटर, 43 एंटर, 33, 29, 64 एंटर। ये हो गए हिंदी मीडियम वालों के। इंग्लिश मीडियम वालों के हैं 74, 46, 46, 59, 45, 50, और नहीं 45 के बाद 40, और 39, 29, 39 और 29। तो इस तरीके से डेटा एंटर हो गया। ये डेटा यहाँ देखिए, ये डाटा वहां इस तरीके का एंटर हुआ, क्योंकि हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम, यहाँ ये तो 2 कॉलम बन रहे हैं, वहां एक ही कॉलम है इसका मीडियम का, और एक का मतलब है हिंदी और 2 का मतलब है इंग्लिश। तो इस तरीके से इसका डाटा टी टेस्ट का एंटर होगा। टी टेस्ट के डाटा में 2 कॉलम होंगे, ये एक कॉलम होगा जिसमें स्कोर होंगे 25, 22, 23, 30, 40, 45, दूसरा होगा जिसमें 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, जिसका मतलब है समूह 1, समूह 2, समूह 1, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 1, ग्रुप 2। तो और टोटल पहले ग्रुप में यदि मान लीजिए 20 हैं, दूसरे में 30 हैं, तो टोटल रो जो है 50 तक डाटा आएगा, 50 तक। इसमें 7-7 हैं तो 14 तक आया। तो डाटा एंटर करना हमने सीखा। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि एजम्पशन, सबसे पहले हम टी टेस्ट लगाना सीखना चाहते हैं तो इससे पहले हमें इसकी एजम्पशन टेस्ट करनी सीखनी पड़ेगी। तो एजम्पशन के लिए ये मैं एक डेटा और ले रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा है ये, मैंने एंटर किया हुआ है। तो अब मुझे आपको प्रक्रिया एंट्रिंग की, डेटा एंट्रिंग की समझाने की जरूरत नहीं है, हालांकि ये वही है, ये वही डेटा है, अच्छा ये लिया मैंने 14। तो हमें देखना है कि ये डेटा
एजम्पशंस पूरी करता है या नहीं, ताकि हम इसमें टी टेस्ट लगा सकें। तो इससे पहले थोड़ा समझ लें इसे, और नॉर्मेलिटी चेक करने के तरीके ये है। देखिए, पहला है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें हम अब, क्योंकि आप लोगों को आपके कोर्स में ये भी है कि नॉर्मेलिटी क्या होती है, सर ये भी अपना देखिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है, उसकी इस तरह की शेप होती है। इसमें ये जो बिंदु है, यहाँ यहाँ मीन, मीडियन और मोड, ये बराबर होते हैं। ये एक खास तरह की इसकी शक्ल होती है, बेल शेप्ड कर्व है, जैसे मंदिर की घंटी होती है, और उस तरह का कर्व है, धीरे धीरे बढ़ता है, यहाँ से इधर से मुड़ता है, फिर ऊपर को चढ़ रहा है धीरे धीरे, फिर ना, या आपने बी एम्बेड में पढ़ा होगा, फिर भी यहाँ रिवाइज कर रहे हैं। तो ये अगर जहां सबसे ऊंचा पॉइंट, इसमें एक मोड होता है, सिंगल मोड, सिंगल मोड, सिंगल मोड का मतलब है एक बिंदु पर ये हाईएस्ट, सबसे ऊंचा पहुंचेगा कर्व, वो बिंदु ये है। यहां से अगर परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक, तो यहाँ इसको, इधर स्कोर होते हैं, इधर है फ्रीक्वेंसी एक तरह से। तो इस स्कोर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो ये बिंदु मोड है, यही बिंदु मीडियन भी है। क्यों? क्योंकि इसके इधर जो है 50% है आधा, और इसके इधर भी 50% है, तो मीडियन भी है, और ये मीन भी है। तो मीन, मीडियन, मोड तीनों यही होता है। दूसरी चीज जो है वो है कि ये कर्व सिमेट्रिक होता है, यहां से अगर इस कर्व को फोल्ड कर दो तो एक हिस्सा दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेगा। तो इसकी स्क्यूनेस, इसे कहते हैं स्क्यूनेस। स्क्यूनेस है कि उसमें सिमेट्री कितनी नहीं है, मेजर ऑफ एसिमेट्री, मेजर ऑफ एसिमेट्री, एसिमेट्री का मतलब है सिमेट्री ना हो, तो उस वो मेजर जीरो होना चाहिए, मतलब परफेक्टली सिमेट्रिक है। जीरो कब होगा? जबकि ये पूरी तरीके से ये हिस्सा एक दूसरे को ढक लेगा। अगर कर्व ऐसा है, नॉर्मल कर्व में जो पीक है वो बीचों बीच होती है, बीच में, यहां बीच में पीक आई, फिर उसी तरह घटे, यहां पीक शुरू में आ गई, अर्ली पीक, और फिर घटा धीरे धीरे, धीरे धीरे घटा। तो ये है इसकी टेल, इधर है टेल, ये टेल है और ये पीक है। तो इसकी टेल है राइट साइड में, राइट हैंड, तो इसे राइट टेल या पॉजिटिवली स्क्यूड, ये पॉजिटिव स्क्यूनेस है इसमें। इसमें स्क्यूनेस का मान आएगा 2-3.8 ऐसा। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है जो नेगेटिवली स्क्यूड होता है, जिसमें पीक राइट में होती है, टेल लेफ्ट में है। इसमें अर्ली पीक है, इसमें लेट पीक है। ये बुढ़ापे में जाके सेलेक्ट हुआ है नेशनल टीम में, तो ये ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं, ये अर्ली पीक है, यंग प्रोडिजीज, जल्दी सेलेक्ट हो गए। तो ये है नेगेटिवली स्क्यूड। यहाँ स्क्यूनेस का मान आएगा माइनस -4.2 ऐसा। परफेक्टली नॉर्मल में स्क्यूनेस का मान आना चाहिए 0, ठीक है। तो तीन चीजें हुई, एक है मीन और मीडियन के बीच का डिफरेंस। नॉर्मल में मीन और मीडियन बराबर होते हैं, यहां मीन और मीडियन में फर्क होगा। यहां मीन जो है, जो एक्सट्रीम स्कोर होता है, ये इधर एक्सट्रीम स्कोर है, ये मीन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो मीन यहाँ आएगा, इसमें मीन इधर इधर को खींच लेगा, ये मीन होगा। तो यहाँ मीन, ये मीन मीडियन से ज्यादा है, मीडियन बीच में होगी, यहाँ कहीं मीडियन बीच में है। तो यहाँ मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, इसलिए ये पॉजिटिव है, इसलिए मीन माइनस मीडियन इज पॉजिटिव।
और यहाँ मीन इज लेस देन मीडियन या मीन माइनस मीडियन इज लेस देन जीरो, इसलिए नेगेटिवली स्क्यूड है। मतलब देखने की बात यह है, हम नॉर्मलिटी के बारे में कैसे निष्कर्ष निकालेंगे? एक तो मीन माइनस मीडियन ये कितना है, स्क्यूनेस जीरो होनी चाहिए, क्या वो लगभग जीरो है? इसी तरह क्रूडोसिस एक होता है, क्रूडोसिस होता है उसकी कितना वो है, पीक कितनी ऊंची है या कितनी नीची है पीक, तो ये क्रूडोसिस भी, इसे कहते हैं एक्सेस क्रूडोसिस, ये भी जीरो होना चाहिए लगभग। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, मीन और मीडियन का डिफरेंस जीरो होना चाहिए, स्क्यूनेस जीरो होनी चाहिए और क्रूडोसिस का मान भी जीरो होना चाहिए। मैं आपको इसका भी रेफरेंस भी दिखाऊंगा। तो ये है पहली अप्रोच, देखिए डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। तो नॉर्मलिटी चेक करने के लिए हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और उसमें हम देखते हैं स्क्यूनेस और क्रूडोसिस का मान, पहला वो कितने हैं। दूसरा एक और स्टैटिस्टिक्स है, वो है जेड स्क्यूनेस। जेड स्क्यूनेस होती है स्क्यूनेस और इसकी स्टैंडर्ड एरर की रेशो, स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्क्यूनेस। इसी तरह जेड क्रूटोसिस है, क्रूटोसिस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ क्रूटोसिस। तो ये हुई एक अप्रोच देखने की, कि ये देखेंगे हम कि स्क्यूनेस क्या है, क्रूटोसिस क्या है और ये रेशो क्या है। अभी बताएं कि इनसे निष्कर्ष कैसे निकालेंगे। दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड, ये जब सैंपल साइज बड़ा हो तो ग्राफ से देखते हैं, हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, और तीसरा है टेस्ट, सिग्निफिकेंस के टेस्ट। और टेस्ट होते हैं दो, एक कोलमोग्रोव स्मिरनोव टेस्ट, ये जब लगता है जब N50 से बड़ा हो और ये जब जब N50 से छोटा हो। तीन अप्रोचेस से देखेंगे, एक है स्क्यूनेस क्रूटोसिस से, दूसरा है ग्राफ से और तीसरा है टेस्ट के द्वारा। टेस्ट के रिजल्ट अगर सिग्निफिकेंट आते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं होता। देखिए यहां आते हैं, स्क्यूनेस और क्रूटोसिस जो है वो जीरो होने चाहिए। ठीक, ये रेफरेंसेस हैं, अगर आपको रेफरेंस देखने हो ये मेजर ऑफ स्क्यूनेस इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मोमेंट, वो इसके चक्कर में मत पड़िए, ये फार्मूला क्या है। मेजर ऑफ डिग्री ऑफ क्रूटोसिस इज डिफाइंड बाय दिस फार्मूला, व्हेन बोथ, एक G1 है एक G2 है, व्हेन G2 इज लेस देन जीरो द डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू बी फ्लैट टॉप, प्लैटिकर्टिक, वेयर एज फॉर G2 ग्रेटर देन जीरो इट इज रिलेटिवली पीक्ड विद समवॉट हायर टेल। When both G1 and G2 are zero or near zero, the distribution is of the usual symmetric bell-shaped curve type, which is referred to as normal frequency distribution. ये दोनों G1, G2, मेजर ऑफ स्क्यूनेस और मेजर ऑफ क्रूटोसिस जीरो होने चाहिए। पर जीरो तो नहीं होंगे, जीरो तो कभी होते ही नहीं, आदर्श स्थिति है, कितने चलेंगे जीरो से इधर। नॉर्मल कर्व में जीरो होना चाहिए, बट एक्चुअल कर्व हमेशा थ्योरिटिकल है, गणित गणित का कर्व है, एक्चुअल में प्रैक्टिस में कितना होना चाहिए व्यवहारिक तौर पर, तो जीरो से इधर हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा है थोड़ा सा कम। तो इसके लिए एक नियम है जॉर्ज मैलरी का थंब रूल, कि ये वैल्यूज प्लस माइनस 2 के बीच में होनी चाहिए। मतलब अगर स्क्यूनेस का मान 1.3 है तो यह ये 2 से कम है, अगर स्क्यूनेस का मान -0.9 है तो ये इस रेंज में आ रहा है। तो
जीरो का मतलब यही नहीं कि बिल्कुल ही जीरो, वो तो कभी होगा ही नहीं। तो जीरो से इधर उधर कुछ आपको टॉलरेट कर सकते हैं कितना, तो उनका कहना है प्लस माइनस टू के बीच में हो। अब इसमें दो तीन राय हैं, कुछ लोग कहते हैं प्लस माइनस तीन भी हो सकता है, वो ज्यादा लिबरल है। कोई प्लस माइनस वन ही बोलता है कि प्लस माइनस वन हो। तो इनमें तीन में से कोई भी आप एक मान सकते हैं बताते हुए। तो मतलब अगर स्क्यूनेस देखेंगे, अगर वो प्लस माइनस टू के बीच में है तो नॉर्मल मान लेंगे, प्लस माइनस टू के बीच में कुर्टोसिस है तो नॉर्मल मान लेंगे। दूसरा ये अप्रोच है फील्ड की, ये अभी जो हमने पिछले पीछे देखा था कि स्क्यूनेस और स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्क्यूनेस, इनकी रेशो जेड स्क्यूनेस ये 1.96 से नीचे होनी चाहिए, प्लस माइनस 1.96 के अंदर होनी चाहिए, तो ये सार्थक नहीं होगी। और सार्थक नहीं होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगा, ये दूसरी चीज है। अच्छा वही था शायद, ये हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम वाला। हाँ यहाँ पे टेस्टिंग एजम्पशंस, अब हम करके देखते हैं। देखिए ये जो डेटा था, अब इसमें हम बताते हैं आपको कि कैसे हम ये देखेंगे एसपीएसएस में। देखिए ये डेटा है, सबसे पहला काम मेरा है, मुझे देखना है कि ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है या नहीं। ये आंकड़े हैं यहां से लेके यहां तक, ये नॉर्मल होने चाहिए। दूसरा ग्रुप है यहां से लेके यहां तक, ये नॉर्मल होना चाहिए। तो ये देखना है कैसे। तो अभी हमने देखा इसके लिए हम स्क्यूनेस कुर्टोसिस की वैल्यू देखेंगे और टेस्ट लगाएंगे देखेंगे, है ना, और ग्राफ देखेंगे। तो ये एनालाइज, यहाँ आपको सब चीज मिलती है। तो एनालिसिस में जाइए और डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक्सप्लोर, एनालाइज डेस्क्रिप्टिव एक्सप्लोर, यहाँ आ जाइए। तो ये जो एक वो आता है, ये आपसे वो करता है डायलॉग, आपसे पूछता है कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा अचीवमेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, फैक्टर क्या है, मीडियम। और यहाँ जाइए प्लॉट, ये स्टेम एंड लीफ बाई डिफॉल्ट है, इसको हटा दें, और नॉर्मलिटी प्लॉट विद टेस्ट, इसको चेक कर दें, कंटिन्यू और ओके कर दें तो आ जाएगा। लेकिन फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, एनालाइज डेस्क्रिप्टिव एक्सप्लोर, मीडियम फैक्टर है, नॉमिनल स्केल का वेरिएबल है, ग्रुप बना रहा है, अचीवमेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का जिसका मीन मीन निकलते हैं। अब प्लॉट में जाइए, इसको हटा दीजिए स्टेम एंड लीफ को, नॉर्मलिटी प्लॉट विद टेस्ट पे चेक करिए और कंटिन्यू और ओके। तो ये है आपने लगाया। इसी चीज को एक्सेल में कर सकते हैं तो भी यही नतीजे आएंगे। असली है इनको फिर आगे इंटरप्रेट करना। ये है पहला डेस्क्रिप्टिव। तो इसने बताया हिंदी मीडियम का जो अचीवमेंट है बच्चों का, उसका मीन है 43.14, मीडियन है 43, तो दोनों लगभग बराबर से हैं। स्क्यूनेस है 0.391, जीरो नहीं है लेकिन जीरो के बहुत करीब है। कुर्टोसिस है -1.374, जीरो नहीं है लेकिन विद इन प्लस माइनस टू है। इनकी रेशो 0.391 डिवाइडेड बाई 0.794, ये भी 1.96 के अंदर है। ये इनकी रेशियो, ये भी 1.96 के अंदर है।
इसी तरीके से ये दूसरा इंग्लिश मीडियम वाला, तो ये मैंने इन्हें मैंने कॉपी करके यहां ले आया, यहां पे देखिए, यहां पे देखना आसान होगा। यहां अगर देखें तो ये है मीन, हिंदी मीडियम अचीवमेंट स्कोर, ये है मीडियम, तो दोनों में अंतर जो है 43.14 - 43, तो बहुत मामूली अंतर है। तो मीन और मीडियन एक जगह है लगभग। स्क्यूनेस, ये स्क्यूनेस 0.391, ये +-2 के बीच में है। कुर्टोसिस, ये +-2 के बीच में है। अब है रेशो, ये है स्टैंडर्ड एरर, ये स्क्यूनेस की स्टैंडर्ड एरर है, स्क्यूनेस के सामने ये कोर्टोसिस की है। तो इनकी रेशो देखो, जेड स्क्यूनेस क्या हुआ, 0.391 डिवाइडेड बाई 0.794, तो ऊपर वाला न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कम है, तो एक से भी कम है, तो हम कह सकते हैं कि 1.96 से कम है। इसी तरह जेड कुर्टोसिस, ये भी 1.96 से कम है, 1.374 डिवाइडेड बाई 1.587, तो ये भी उसमें है, ये भी लिमिट में है, ये दोनों भी लिमिट में है, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। अब आइए इंग्लिश मीडियम, तो सेम चीज स्क्यूनेस, ये दोनों +-2 के बीच में है, इनकी रेशो 6.47 डिवाइडेड बाई 7.94 और 0.86 डिवाइडेड बाई, ये भी 1.96 से कम है, इसमें अंतर भी बहुत कम है, ये जाके वैसे देखने की जरूरत नहीं है, ये स्क्यूनेस में आ जाता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल है। अब आइए टेस्ट, अब डिस्क्रिप्टिव हमने देखा, अब टेस्ट को इंटरप्रेट करने के लिए कुछ थोड़ा इससे पहले ये सीखना पड़ेगा। इसमें यदि ऊपर चलें तो आगे ये आता है, ये टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी, टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी, तो इससे भी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि क्या ये जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें जो अंतर है क्या वो सार्थक है, क्या ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से अलग जो हट रहा है वो सार्थक रूप से अलग हट रहा है, ये पता लगाने के लिए हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। और इंटरप्रेट करने के लिए हमें इंटरप्रिटेशन के नियम पता होने चाहिए, कैसे इंटरप्रेट करें, तो वो नियम ये हैं, ये आपको बता रहे हैं, डिसीजन डायग्राम फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। कोई भी टेस्ट की स्टैटिस्टिक्स, चाहे टी हो चाहे एफ हो, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स सब सब जगह लागू होगा, है चाहे वो टी है, चाहे वो एफ है, चाहे वो काई स्क्वायर है, चाहे वो आर है, कुछ भी है, हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू दी होगी यहाँ वैल्यू, और उसकी पी वैल्यू दी होगी, पी वैल्यू या सिग्निफिकेंस वैल्यू। ओके, तो अब इस सिग्निफिकेंस वैल्यू की तुलना करेंगे हम अल्फा लेवल से, अल्फा होते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये हमारे एजुकेशन में नॉर्मली 0.05 और 0.01 ये दो लेते हैं। तो ये सिग्निफिकेंस वैल्यू जो है ये होगी 0 से 1 के बीच में हमेशा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है, ये पी वैल्यू है प्रोबेबिलिटी। तो क्या ये 0.05 से ज्यादा है, अगर हाँ तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, टेस्ट वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है, टेस्ट वैल्यू सिग्निफिकेंट है नहीं, ये सवाल है हमारा। इसके लिए हम रास्ता है पी वैल्यू देखेंगे, पी वैल्यू हम कंपेयर करेंगे अल्फा लेवल से, अगर ये 0.05 से ज्यादा है तो सिग्निफिकेंट नहीं है, अब 0.05 से यदि कम है
ये सार्थक है, और सार्थक का मतलब है कि हमारी एजम्पशन वायलेट हो रही है ये इसके संदर्भ में। ओके, अब मैं आउटपुट दिखा रहा हूं आपको, ये आउटपुट है टेस्ट की। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि जब एन 50 से कम है तो हम इसको इंटरप्रेट करते हैं, इसको नहीं करते। तो इसको इंटरप्रेट किया, शैपिरो विल्क की जो सांख्यिकी है वो है ये सैंपल साइज है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और ये है पी वैल्यू। क्या ये 10 अल्फा लेवल से बड़ी है? यस बड़ी है, 0.05 से ज्यादा है, इसलिए नॉट सिग्निफिकेंट। ये भी 0.05 से बड़ी है तो नॉट सिग्निफिकेंट। और नॉट सिग्निफिकेंट का मतलब ये है कि हम दो दो की तुलना कर रहे हैं, इन आंकड़ों की हिंदी मीडियम के अचीवमेंट स्कोर और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक्चुअल स्कोर है, और नॉर्मल से क्या डिफरेंट है, तो ये हम नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं कर पा रहे, तो हम कहेंगे कि नॉर्मल है, नॉर्मल। यस, अगर ये रिजेक्ट हो जाएगी, सिग्निफिकेंट आएगा, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, इस तब हम कहेंगे कि ये नॉर्मलिटी की अजम्पशन वायलेट हो रही है। तो इस तरीके से इसका हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो देखिए, अब यही लिख रहा हूं, मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि असली चीज है, आपको अपनी थीसिस में जब लिखोगे तो कैसे लिखेंगे। टेबल टू शोज दैट द वैल्यू ऑफ स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस फॉर अचीवमेंट ऑफ हिंदी मीडियम स्टूडेंट आर ईच विद इन प्लस माइनस टू सजेस्टिंग नॉर्मेलिटी। फर्दर, ईच ऑफ द रेशियो ऑफ स्क्यूनेस टू द स्टैंडर्ड एरर 0.391 डिवाइडेड बाय 0.794 इज इतना, एंड कुर्टोसिस टू इट्स स्टैंडर्ड एरर 1.374 डिवाइडेड बाय 1.587 इज इक्वल टू 0.866 इज लेस देन 1.96, इंडिकेटिंग नॉर्मलिटी। पहले हमने एब्सोल्यूट वैल्यू देखी, इसके बाद हमने रेशो देखी, तो दोनों क्राइटेरिया पर ये नॉर्मल है। अब हम टेस्ट देखेंगे, टेस्ट के रिजल्ट शैपिरो विल्क के भी यही कह रहे हैं कि एन 7 है क्योंकि 50 से कम है, इसलिए हम शैपिरो विल्क के रिजल्ट देख रहे हैं, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि शैपिरो विल्क की स्टैटिस्टिक्स ये है, ये तीनों देनी पड़ती हैं, टेस्ट वैल्यू ये है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है, और पी वैल्यू ये है जो 0.05 से ज्यादा है, तो हमें ये चीजें देनी पड़ेंगी टेस्ट वैल्यू जब भी हम इंटरप्रेट करें, टेस्ट वैल्यू एन या डिग्री ऑफ फ्रीडम इनमें से कोई एक चीज, और पी वैल्यू, और इसकी तुलना उससे अल्फा से, ये बराबर है कि नहीं है, इतना देना पड़ेगा, इसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालेंगे। तो शैपिरो विल्क स्टैटिस्टिक्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम पी इतना जो 0.05 से ज्यादा है, इसलिए कोई नॉर्मेलिटी के साथ इश्यू नहीं है। दस द अचीवमेंट स्कोर ऑफ हिंदी मीडियम स्टूडेंट बीट द नॉर्मेलिटी एडमिशन, सिमिलरली अंग्रेजी मीडियम वाला इन द सेम मैनर। ओके, तो ये हुआ टेस्ट के द्वारा, आपने दो तरीके देख लिए, एक है डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के द्वारा, मेनली स्क्यूनेस कुर्टोसिस और इनकी रेशो जेड स्क्यूनेस जेड कुर्टोसिस, ये पहली अप्रोच। दूसरी अप्रोच आपने देखी टेस्ट टेस्ट सिग्निफिकेंस टेस्ट, सिग्निफिकेंस टेस्ट में शैपिरो विल्क, और दोनों तरीके से आपने पाया कि ये नॉर्मल है। अब एक है आउटलियर है या नहीं, तो आउटलियर जो है ये है, इसे कहते हैं बॉक्स प्लॉट। ये देखिए, ये इसी में आउटपुट में आ गए हैं, नीचे चले आउटपुट में, तो सबसे नीचे मिलेंगे आपको बॉक्स प्लॉट, ये दो ये मैंने कॉपी किए हैं। हाँ, ये बॉक्स प्लॉट क्या कहते हैं, इन्हें हल्का सा समझने की जरूरत है। ये है मिनिमम स्कोर, ये यहाँ आइए, अगर आप इधर
तो 20 समथिंग, 23 या कुछ मिनिमम है, मैक्सिमम है इतना, इसमें 64 या कुछ होगा, 65 ओके, यहाँ मिनिमम है इससे थोड़ा ज्यादा है, तो इसमें मिनिमम है 29 और मैक्सिमम है 69 ओके, तो ये है मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर, ये है मीडियन, मीडियन मीडियन आप पाए देखें, यदि मीडियन तो हमने मीडियन निकाल रखी है, ये इंग्लिश मीडियम वालों की मीडियन है 45 और हिंदी मीडियम वालों की, हिंदी मीडियम वालों की मीडियन है 43, 43। तो ये देखिए अब यहाँ ये है 45, मीडियन इज इक्वल टू 45 इंग्लिश मीडियम और ये है 43, ये इधर चलो तो बीचों बीच आ रहे हैं, ये इस ये थोड़ा सा ऊपर है थोड़ा नीचे है, ये 43 है, 43 तो ये शो करता है मैक्सिमम स्कोर, ये शो करता है Q1, इससे नीचे 25% है, ये शो करता है Q3, इससे नीचे 75% है, इससे ऊपर 25% है, Q3 Q1, ये जो ये है ये शो करता है Q3 माइनस Q1 या इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो ऐसे आंकड़े अगर एक आध आंकड़ा ऐसा है जो इससे बहुत ज्यादा बड़ा है तब तो वो कहलाता है आउटलियर। अगर मैं आपको आउटलियर बनाऊं इसी आंकड़े में, देखिए क्या करता हूं मैं, ये कोई स्कोर जो है एक बढ़ा देता हूं मैं, ये मैक्सिमम स्कोर था यहाँ 65 ठीक, इसे मैं बना देता हूं 65 को 90 और देखते हैं क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लोर और बस कर दीजिए बाकी। अब इसमें लास्ट में आ जाइए, ये देखिए ये आ गया, यहाँ एक बिंदु नजर आ रहा है जिस पे सर्कल बना हुआ है, ओ का मतलब ऑब्जर्वेशन और 3 का मतलब है सीरियल नंबर 3, और इसकी पोजीशन देखिए ये 90 है तो 80 से ऊपर है यहाँ 90, और ये मैक्सिमम, हालांकि मैक्सिमम तो ये है तो इसका मतलब है इसमें हमने जो कहा था ये मैक्सिमम स्कोर है, मैक्सिमम स्कोर अगर कोई आउट लियर है उसे छोड़ के, अभी स्थिति ऐसी आ रही है कि ये आउट लियर है, अगर ग्राफ में ऐसा दिख रहा हो इसका मतलब ये सीरियल नंबर 3 का डेटा ये आउट लियर है, इज एक्सट्रीमली लार्ज स्कोर और एक्सट्रीमली लार्ज है, इसकी वजह से हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन ये वाला नॉर्मल ना रहे ओके, तो ये आउटलियर इसमें, क्योंकि इस वाले में कहीं कोई बिंदु नजर नहीं आ रहा आपको, इस ग्राफ में इसके नीचे या इसके ऊपर कहीं कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा है ऐसा ओ कहीं भी, तो इसका मतलब इसमें कोई आउटलियर नहीं है, आउटलियर एब्सेंट है। अब दूसरी जो है नेक्स्ट चलते हैं, ये है दूसरी जो अजम्पशन है वो है इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस की अजम्पशन, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। तो ये कैसे जांचते हैं होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, वेरिएंसेस बराबर कब मानेंगे हम, बराबर होंगे नहीं, तो जब मानेंगे हम बराबर, अगर बड़े वाला स्टैंडर्ड डेविएशन छोटे वाले के तुलना में 2 गुना से कम है, तो इफ लार्जर स्टैंडर्ड डेविएशन इज एट द मोस्ट 2 टाइम्स द स्मॉलर, दैट इज सिग्मा 2 इज लेस देन सिग्मा 1, और इनकी रेशियो जो है वो लेस देन 2 है, तब हम कहते हैं कि ये दोनों समान है, या
एक टेस्ट है लेविंस टेस्ट, तो लेविंस टेस्ट में जो एफ है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी के लेविंस टेस्ट की वैल्यू आएगी एफ, उसकी पी वैल्यू जो है वो अगर 0.05 से बड़ी है तो सार्थक नहीं होगी, और सार्थक नहीं होगी तो वेरायंसेस इक्वल होंगे। तो दो तरीके से देखते हैं, पहला तरीका हम देखें कि इन दोनों के स्टैंडर्ड डिविएशन की रेशियो क्या है, दूसरा तरीका हम देखें कि ये लेविंस स्टैटिस्टिक्स, लेविंस टेस्ट की स्टैटिस्टिक्स क्या है, सार्थक है। और ये देखने के लिए बहुत आसानी से हम देख सकते हैं, ये एक और डेटा मैं ले रहा हूं, ये अब नया डेटा है, इसमें हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है फैकल्टी, फैकल्टी में साइंस की फैकल्टी हमारे पास एक और नॉन साइंस की फैकल्टी है दो। हम देखना चाहते हैं कि क्या साइंस वालों में रिसर्च एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, तो रिसर्च एप्टीट्यूड है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम देख रहे हैं फैकल्टी का प्रभाव क्या है। ओके, ये डेटा है, कितने हमारे पास फैकल्टी किस तरह की हैं, ये देखिए, एक 25 तक, फिर 25 के बाद 26 से दो 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 50 तक, तो 25 इसका सैंपल साइज है दोनों में, टोटल आंकड़े 50 हैं। हमें देखना है इनकी होमोजेनिटी ऑफ वेरायंस, तो ये कैसे मिलेगी, डिस्क्रिप्टिव। अब ये जब टी टेस्ट लगाते हैं तो वही मिल जाती है टी टेस्ट के साथ ही, तो टी टेस्ट लगाना यहाँ है कंपेयर मीन इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट एनालाइज कंपेयर मीन्स इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, तो ये लगा देगा इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, रिसर्च एप्टीट्यूड यहां, फैकल्टी यहां। क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है कि फैकल्टी कौन कौन सी है आपकी, तो मेरी फैकल्टी एक है एक, और दूसरी है दो, बस ये आ गया अपने आउटपुट। तो पहली टेबल आई वो दिखा रही है कि सैंपल साइज 25 है, साइंस फैकल्टी के 25, नॉन साइंस के 25, स्टैंडर्ड डिविएशन ये रहे 12.82 और इसका 11.66, मीन है 61.56 और 69.33, तो साइंस फैकल्टी वालों का रिसर्च एप्टीट्यूड यहाँ ज्यादा है, पर क्या ये सार्थक है पता नहीं, 61 और 50 11 का डिफरेंस है, हो सकता है सार्थक हो सकता ना हो। यहाँ ये टेबल जो है देखिए, दूसरी टेबल है, ये इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लग रहा है, लेकिन इसमें दो पार्ट है, पहला पार्ट है लेविंस टेस्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ वेरायंस, ये वाला, ये यहां से लेके यहां तक की ये मैंने कॉपी कर ली इतनी टेबल बस, और इसको अभी छोड़ दिया क्योंकि अभी बाद में करेंगे इसे, तो ये 0.526, 0.472, तो मेरे यहाँ प्रेजेंटेशन में देखिए ये है पहली टेबल। ओके, एक सेकेंड, एक सेकेंड, अब आ रहा है, ये है पहली टेबल जो बताती है दोनों में सैंपल साइज, दोनों के मीन्स, दोनों के स्टैंडर्ड डिविएशन, हम चेक कर रहे हैं इक्वलिटी ऑफ वेरायंस। तो पहला तरीका है कि इन दोनों स्टैंडर्ड डिविएशन का रेशियो निकालो, 12.826 डिवाइडेड बाई 11.668, तो नेचुरली ये एक गुने से तो ज्यादा है, पर दुगुने से तो कम है, डबल नहीं, इसका डबल तो 22 10 11 दुनी 22 होना चाहिए ऊपर, तो 2 से कम है, इसका मतलब ये दोनों आपको दिख भी रहे हैं एक अंतर है सिर्फ, तो ये दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन समान है, इसका मतलब इनकी वेरायंसेस इक्वल है। दूसरा तरीका है ये टेस्ट का, जो मैंने कहा था मैंने टेबल कॉपी की है वहां से आधी, तो एफ का मान ये है
और सिग्निफिकेंस ये है, ये सार्थक है नहीं ये देखने के लिए 0.05 से कंपेयर करेंगे, बढ़िया है तो सार्थक नहीं है, सार्थक नहीं है इसका मतलब कि इक्वल है वेरायंसेस, तो होमोजेनिटी ऑफ वेरायंस की अजम्पशन पूरी होती है। अब इसको लिख रहे हैं हम, टेबल 5 शोज द वैल्यू ऑफ लार्जर स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 2 इज 12.826 है और छोटे वाला 11.668 है। इनका जो अनुपात है वो लेस देन 2 है क्योंकि अनुपात है 1.099। इसका मतलब इनकी वेरायंसी जो है बड़ी वाली वेरायंस छोटी वाली का 1.2 गुना है, तो 4 गुने तक चलेगी, स्टैंडर्ड डिविएशन दुगने तक चलेंगे। सिग्मा 2/सिग्मा 1 जो है ये तो मैक्सिमम 2 तक हो सकता है और इनकी वेरायंसी जो है वो मैक्सिमम 4 होगी, इसका मतलब 4 तक, 4 से ज्यादा होगी अगर इनकी रेशो, तब जो है माना जाएगा कि वो इक्वल नहीं है। ये दोनों हो गई आप हमारे पास, ये भी दिखा। अगला है लेविंस स्टैटिस्टिक्स जो है वो ये है, सिग्निफिकेंट नहीं है 0.05 पर, क्यों? एफ का मान ये है, पी मान ये है जो 0.05 से बड़ा है, इसका मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन दी वेरायंसीज ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ साइंस एंड नॉन साइंस इज नॉट रिजेक्टेड। रिजेक्ट नहीं कर रहे आप H0 क्योंकि ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इसका मतलब डेटा मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एजम्पशन ऑफ नॉर्मलिटी इक्वलिटी ऑफ वेरायंस। तो हमारे पास तीनों एजम्पशन हो गई, पहली नॉर्मल है, दूसरा होमोजीनियस है और तीसरा आउटलियर नहीं है, तो अब हम टेस्ट लगा सकते हैं नॉर्मल। लेकिन ये टेस्ट लगाने से पहले कहाँ तक पहुंच गए, 1 मिनट का ब्रेक दूं, कोई कुछ सवाल वाल हो किसी का, या चलता रहूं इसी स्पीड से? अरे अभी चलते रहिए। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? सर चलते रहिए और आगे पूछेंगे अगर आएगा। जी, ठीक है, वही मुझे लग रहा है मैं चलता ही रहूंगा ना, कोई कोई प्रश्न तो अभी है, जब पहले हजम करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा, जब प्रश्न खड़े होंगे। जी सर, यस हाँ, सर। तो मैं अभी कंप्लीट करता हूँ इसको ना। अब इफेक्ट साइज, जैसे मैंने कहा था आपसे, निवेदन किया था कि नई चीज है इफेक्ट साइज, दरअसल हाइपोथेसिस टेस्ट करने के बाद हम ये कह देते हैं कि दोनों में सार्थक अंतर है, तो सार्थक अंतर तो अगर सैंपल साइज आपका बहुत बड़ा है तो मामूली सा अंतर भी सार्थक हो जाता है, और उसकी मामूली से अंतर की कोई कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती। जैसे मान लीजिए अगर आपने आर देखे, आर को कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो ये 0.13 ये बहुत मामूली सा कोरिलेशन है, लेकिन अगर आपका सैंपल साइज 300 से ज्यादा है तो ये सार्थक होगा, ना केवल 0.05 पर बल्कि 0.01 स्तर पर। कहाँ आप वैलिडिटी रिलायबिलिटी के लिए कहते हैं कि भाई आर जो है 0.9 हो, 0.8 हो, 0.7 हो, ये तो 0.13 है लेकिन ये सार्थक बता रहा है। तो सार्थक होने से कुछ बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, इतनी जानकारी मिलती है कि स्टैटिस्टिकली उनका डिफरेंस 0 नहीं है, लेकिन उसकी व्यवहारिक सिग्निफिकेंस क्या है ये बताने के लिए जो है ये इफेक्ट साइज यूज होता है, कोहन्स डी। तो नल हाइपोथेसिस सिग्निफिकेंस टेस्टिंग वर्सेस इफेक्ट साइज अप्रोच, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस और प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, और सैंपल साइज जो है वो हैवीली इन्फ्लुएंस करता है नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग को, इसलिए ये लोग कहते हैं कि इंडिपेंडेंट इफेक्ट साइज बताओ आप साथ में कि मीडियम है, लार्ज है या स्मॉल है। और इफेक्ट साइज इसके लिए निकालना बहुत आसान है, SPSS में नहीं निकलता, इसका फार्मूला है सिंपल, mean 1 - mean 2 डिफरेंस निकालो और सिग्मा पूल से डिवाइड कर दो,
जहां सिग्मा पूर्ण है दोनों सिग्माओं का एवरेज, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू डिवाइडेड बाय टू, या ये एक फार्मूला है टी, टी से भी निकाल सकते हैं, डी इज इक्वल टू टी अंडर रूट एन वन प्लस एन टू डिवाइडेड बाय एन वन एन टू, टी अंडर रूट एन वन प्लस एन टू डिवाइडेड बाय एन वन एन टू, दूसरा ही फार्मूला है, दोनों सेम रिजल्ट देंगे आपको। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कंप्यूट कर रहे हैं, ये है मीन वन है 51.3, मीन टू है 56.8, सिग्मा वन 4.9, सिग्मा टू 5.9। तो पहले हम निकालेंगे सिग्मा पूल्ड, पूल्ड का मतलब है इकट्ठा कंबाइन, तो ये हुआ सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू, 4.9 प्लस 5.1 बाय 2। सॉरी सर इंटरप्टिंग यू इन द मिडिल, सर इससे पहले वाली स्लाइड फिर से दिखा सकते हैं? हाँ क्या 21 नंबर स्लाइड एक बार फिर से दिखा दीजिए सर। नहीं समझ नहीं पा रहा मैं क्या बोल रही है। इससे पहले वाली जो स्लाइड आपने दिखाई थी बस एक बार वो और लगा दीजिए, 21 नंबर। इससे पहले वाली ये बस यही? जी सर, जी सर। ये देखिए कोहन डी का भाग ये है, यहां मीन वन माइनस मीन टू दोनों मीन का डिफरेंस है और नीचे सिग्मा पूल्ड है, सिग्मा पूल्ड का मतलब है इन दोनों स्टैंडर्ड डिविएशन का औसत एवरेज, या ये फार्मूला निकाल सकते हैं, ये भी देखेंगे आगे। तो आगे हम इस एक सवाल कैलकुलेट कर रहे हैं कि डी निकालेंगे और उसे इंटरप्रेट करेंगे। ये दो है एटीट्यूड टुवर्ड्स चिल्ड्रन मेल का, एटीट्यूड टुवर्ड्स चिल्ड्रन फीमेल का, ये मीन वन है एन वन है सिग्मा वन है, मीन टू एन टू सिग्मा टू। तो पहले हम निकालेंगे सिग्मा पूल्ड, सिग्मा पूल्ड इन दोनों का एवरेज है 4.9 जमा 5.1/2, तो 10/2 = 5, तो सिग्मा पूल्ड हो गया 5। दोनों का मीन का अंतर 51.3 माइनस 56.8/5, बस ये निकालने ये आ जाएगा डी। ये देखिए ये निकाल लिया इसने, ये आ गया सिग्मा पूल्ड, अब डी आ गया, ये फार्मूला 51.3 माइनस 56.8/5 माइनस 5.5/5 या 1.1 साइन को छोड़ते हुए। अब ये इसका मतलब क्या है ये इंटरप्रेट करने के लिए, ये टेबल है, ये कोहन कोहन की टेबल है, कोहन्स गाइडलाइन फॉर इंटरप्रेटिंग दी कोहन्स डी। तो अगर 0 से 0.2 के बीच में है डी का मान तो ये नेग्लिजिबल इफेक्ट है, मतलब इग्नोर किया जा सकता है। 0.2 से 0.5 के बीच है तो ये लो इफेक्ट है, 0.5 और 0.8 है तो मीडियम इफेक्ट है, 0.8 और 1.2 के बीच में है तो लार्ज इफेक्ट है। अब वो तो कोहन तो यहां तक कहता है, लेकिन कुछ दूसरे लोग कह देते हैं अगर 1.2 से भी ज्यादा है तो ह्यूज इफेक्ट है, ह्यूज मतलब अत्यधिक बड़ा। तो हमारा आया 1.1, तो हमारा डी था 1.1, तो ये है लार्ज इफेक्ट है। तो ये हम इंटरप्रेट करेंगे कि सिग्निफिकेंट है, इसका ज्यादा है और इन दोनों में अंतर सिग्निफिकेंट है और एटीट्यूड टुवर्ड्स चिल्ड्रन फीमेल का बेहतर है और जेंडर का प्रभाव कितना है एटीट्यूड पर लार्ज, ये हम कहेंगे। बस अब हो गया, अब हम आते हैं टी टेस्ट के ऊपर लास्ट। कंप्यूटिंग इफेक्ट साइज बता दिया, ये अब टू टेल टेस्ट लगाएंगे। तो टू टेल टेस्ट में ये छोड़ दीजिए, बता चुका मैं ऑलरेडी,
सवाल नहीं है क्या? ओके चलो, वो लगाने बता दिया आपको। तो ये है आउटपुट टेस्ट की, ये है वर्बल फ्लुएंसी। अभी हम इसे इंटरप्रेट करेंगे। टी टेस्ट लगाना आपने सीख लिया। अभी कंपेयर मीन एनालाइज, कंपेयर मीन इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, वहां वेरिएबल सप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आ जाएंगे। अब ये आउटपुट आई है ये, तो इसकी इंटरप्रिटेशन देखते हैं हम। ये पहली आउटपुट है, ये हम इसे यूज करेंगे ये देखने के लिए कि होमोजेनिटी ऑफ वेरियंस की अजम्पशन पूरी होती है नहीं। सैंपल साइज है 11 और 13, डिपेंडेंट वेरिएबल है वर्बल फ्लुएंसी, शब्द प्रवाह, और ये ग्रामीण है शहरी है। तो हमें असल में ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों के शब्द प्रवाह के माध्य फलांकों की तुलना करना चाह रहे हैं, है ना? तो ये दो आउटपुट है, एक ही एक ही। तो उसके लिए वो क्या बनेगी, हाइपोथेसिस टू कंपेयर, शोध उद्देश्य बनेगा टू कंपेयर द मीन स्कोर ऑफ वर्बल फ्लुएंसी ऑफ रूरल एंड अर्बन चिल्ड्रन। द हाइपोथेसिस बनेगी देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मीन स्कोर्स ऑफ वर्बल फ्लुएंसी ऑफ रूरल एंड अर्बन चिल्ड्रन। ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों के शब्द प्रवाह के माध्य फलांकों की तुलना करना, ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों के माध्य शब्द प्रवाह फलांकों में सार्थक अंतर नहीं है, यह है शून्य परिकल्पना। अल्फा लेवल हम रख रहे हैं या तो 0.05 या 0.01, जिस पर भी हम सिग्निफिकेंट मिल जाए। अब हम सबसे पहले लिखेंगे होमोजेनिटी ऑफ वेरियंस की अजम्पशन पूरी होती है नहीं, ये यहां से। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है इनकी, अगर रेशियो निकालो तो ये 2 से कम है तो होमोजेनिटी है। ये होमोजेनिटी का टेस्ट है, ये टेस्ट वैल्यू है, ये पी वैल्यू है, ये 0.05 से बड़ी है, तो यहाँ यहाँ भी इक्वालिटी है। ये आपको बताया जा चुका है, फिर भी फिर एक बार फिर हो जाए आपकी प्रैक्टिस। तो ये वैल्यू पी वैल्यू है, सिग्निफिकेंस वैल्यू है, ये 0.05 से बड़ी है तो ये सार्थक नहीं है। सार्थक नहीं है इसका मतलब इक्वलिटी है वेरियंस की। अब यहां आएंगे, तीसरा आएगा टी टेस्ट, एजम्पशन पूरी होती है ये। अब इसे टी टेस्ट फॉर इक्वलिटी ऑफ मीन है, नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यहां से करेंगे। तो व्याख्या करने के वही नियम है, ये टी का मान है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये सिग्निफिकेंस टू टेल्ड है, इस पे ध्यान दें क्योंकि तो हम टू टेल्ड टेस्ट कर रहे हैं। तो ये वैल्यू क्योंकि 0.01 से कम है इसलिए ये सार्थक है, इसलिए शून्य परिकल्पना की लड़के और लड़कियों के या शहरी और ग्रामीण विद्यार्थियों के शब्द प्रवाह के माध्य फलांकों में सार्थक अंतर नहीं है, ये निरस्त की जाती है। और इसका मतलब दोनों में सार्थक अंतर है। यहां देखने से पता लगता है कि अर्बन वालों का वर्बल फ्लुएंसी का माध्य फलांक 52 है, जो गांव वालों के इससे ज्यादा है, इसलिए शहर वालों में शब्द प्रवाह ज्यादा बेहतर है। तो बस इस तरीके से लिखेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ लेविन टेस्ट फ्रॉम टेबल 8। सेवन, इट कैन बी सीन दैट रेशियो ऑफ लार्जर स्टैंडर्ड डेविएशन, टेबल 7 से देख सकते हैं कि बड़े स्टैंडर्ड डेविएशन का छोटे से जो अनुपात है वो 1.33 है, जो 2 से कम है, इसलिए जो दोनों प्रसरण हैं वो समान माने जा सकते हैं। सारणी 8 में लेविंस की स्टैटिस्टिक्स 7.737 है, सार्थकता मान 0.4 है, जो 0.5 से बड़ा है, इसलिए सार्थकता के 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है, इसलिए शून्य परिकल्पना की दोनों वेरिएंसेस में सार्थक अंतर नहीं है, ये रिजेक्ट नहीं होती। इसका मतलब वेरिएंसेस इक्वल हैं हम मान सकते हैं।
अब आगे हम टी टेस्ट की आउटपुट की करेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन स्कोर ऑफ वर्बल फ्लुएंसी। अब ये जरा ध्यान दें कि इसमें दो आउटपुट में दो रोज हैं, इस आउटपुट में दो रो हैं, एक रो ये है इक्वल वेरियंस इज एज्यूम्ड और एक है इक्वल वेरियंस इज नॉट एज्यूम्ड। तो होमोजेनिटी ऑफ वेरियंस लगा के हमने पाया कि वेरियंस इज इक्वल है, तो हम इस वाली लाइन को इंटरप्रेट करेंगे ना कि इसको। ये जब करेंगे कलम देखेंगे, जबकि वेरियंस इज इक्वल नहीं होती तब हम इस लाइन को इंटरप्रेट करते हैं। तो आज हम इसको कर रहे हैं क्योंकि वेरियंसेस इक्वल है, हमने ऐसा ऐसा डेटा ले रखा है कि इसमें वेरियंसेस इक्वल आए। तो ये है पहली लाइन, है ना, तो एन ऑब्जर्वेशन ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ टेबल 8, इक्वलिटी ऑफ वेरियंस एज्यूम्ड शोज दैट वैल्यू ऑफ टी इज इतने। अब वही सेम नियम है, टी का मान इतना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है और उसकी टू टेल सिग्निफिकेंस वैल्यू ये है जो 0.01 से कम है, इसलिए सार्थक है 0.01 स्तर पर, इसलिए शून्य परिकल्पना यहाँ लिखेंगे। देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन वर्बल फ्लुएंसी स्कोर ऑफ रूरल एंड अर्बन चिल्ड्रन इज रिजेक्टेड। फर्दर टेबल 7 शोज, अब क्योंकि रिजेक्ट हो गई इसका मतलब सार्थक अंतर है, दोनों समूह के वर्बल फ्लुएंसी सेम नहीं है तो किसकी ज्यादा है, तो ये बताती है कि गांव वालों का इतना है शहर वालों का इतना है। देयरफॉर अर्बन चिल्ड्रन पजेस सिग्निफिकेंटली मोर वर्बल फ्लुएंसी देन देयर रूरल फ्रेंड्स एंड द इफेक्ट साइज इज 1.36। ये देखो साथ में ऐड किया, ये इफेक्ट साइज कैसे निकला, ऐसे निकला, यहां निकाला हमने वैसे ही। अब दूसरा फॉर्मूला यूज करके निकाला है, टी डी इज इक्वल टू टी N1 + N2 / N1 N2। टी है 3.34, सैंपल साइज है 11 और 13, तो इन्हें वैल्यू को रख दी, सिंपल कैलकुलेटर यूज किया, ये वैल्यू आ गई इसका मतलब। और ऐसे निकालना चाहो ऐसे निकाल सकते हो, M1 - M2 डिवाइडेड बाई ये दिस डिवाइडेड बाय 2, तो ये भी वही आ रही है लगभग, ये उसका इफेक्ट है अप्रोक्सीमेशन का। तो इस तरीके से इफेक्ट साइज इसका वो है, ये रेफरेंसेस हैं आज भी यूज किए हमने, सिनोडेकर एंड कोचरान यूज किया है, फील्ड यूज किया है, जॉर्ज एंड मैलरी यूज किया है, हावल बताया आपको, ये तीन चार का मैंने रेफरेंस दिया आपको। तो मुझे मालूम है कि थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ा, लेकिन वो बिंदु कवर करने के लिए थोड़ी स्पीड रखनी जरूरी थी और हमारे पास समय क्योंकि सीमित है और उसी में अपने को निर्वाह करना है, निर्वाह करना है, तो उस हिसाब से थैंक यू वन एंड ऑल। हेलो। थैंक हाँ यू सर। सर। हाँ अभी मैं आ रहा हूँ, ये स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ सर। और आपसे आपकी तरफ देखता हूँ, आपका कोई सवाल हो जिसमें मैं मदद कर सकूँ तो मुझे खुशी होगी। सैनी जी हैं क्या? जी सर। हाँ सर, तो आप गेम आपके ताले में है अब। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। किसी की कोई जिज्ञासा हो, कोई क्वेरी हो, सर से आप पूछ सकते हैं। सर माय क्वेश्चन इज दैट व्हाई वी ऑलवेज क्रिएट द रिसर्च हाइपोथेसिस फर्स्ट देन। हेलो, आप लोग अपना निवेश को ग्रोप कीजिए। हाँ, क्या प्रश्न है आपका? निवेश माइक्रो क्रॉप कीजिए। कहाँ से यस पूछो। आप चाहो तो अपना चैट में जरा लिख दो, कोई जरूर लिखा करे। निवेश
सैनी सर आप अपनी तरफ से म्यूट कीजिए उनको। हाँ ये आवाज ठीक आई नहीं है, इनकी आवाज ठीक आई है, उनकी आवाज ठीक नहीं आ रही थी मुझे। हाँ बोलो क्या पूछ रहा था बोलो। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम हमेशा रिसर्च हाइपोथेसिस पहले और नल हाइपोथेसिस बाद में क्यों बनाते हैं? अच्छा हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस क्यों बनाते हैं? नो सर माय क्वेश्चन इज दैट व्हाई वी क्रिएट रिसर्च हाइपोथेसिस फर्स्ट एंड देन वी गो फॉर द नल हाइपोथेसिस। देखिए आपका चाहे आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस बनाओ, चाहे नल हाइपोथेसिस बनाओ, चाहे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाओ, चाहे डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाओ, चाहे जो मर्जी बनाओ, आपको टेस्ट नल हाइपोथेसिस ही करते हैं हम। क्यों करते हैं नल हाइपोथेसिस? क्योंकि हम जो है रेंडमाइजेशन के चांस के अगेंस्ट ही हर चीज को वो करते हैं कि ये जो आ रहा है अंतर क्या ये सैंपलिंग की वजह से है, क्या ये अंतर आया है ये सैंपल की वजह से है। तो चाहे कैसी भी हाइपोथेसिस आप बना लो पर अल्टीमेटली टेस्ट आप ये करोगे कि ये जो अंतर आने हैं इन अंतर आने की वजह क्या है, क्या ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है या ये सैंपलिंग है। जरा ध्यान दीजिए एक मिनट के लिए मैं ये चीज कंसेप्ट समझा दूं, क्योंकि इससे पहले मेरे को ना मैंने बोला इससे पहले मैं 5 लेक्चर लेता हूँ जब जाके सब समझ में आती है चीजें, तो मैं एक से एक बात आपको बता रहा हूँ। जरा ये आपको शेयर हो रहा है मेरा? यस सर। जी सर मैंने स्क्रीन शेयर किया फिर से। अब मैं नई स्लाइड खोल रहा हूँ, दिख रही है आपको ब्लैंक स्लाइड? जी सर दिख रही है। देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ 1 से लेके 10 तक नंबर की चीट है, 1 2 3 4 10, और ये दूसरे में भी 1 से लेके 10 तक की चीट है 10, तो ये है मेरी पॉपुलेशन। इसका मीन कितना है और इसका मीन, दोनों के मीन सेम ही होंगे। यहाँ सैंपल साइज 10, पॉपुलेशन 10 की है, यहाँ भी पॉपुलेशन 10 की है, दोनों का मीन सेम है डिफरेंट है? बताइए जल्दी। अरे जल्दी बताओ ना, दोनों के मीन सेम है, तो आंकड़े सेम है। लेकिन मैं इनमें से कोई भी दो डेटा लेता हूँ, मेरा सैंपल ये है पॉपुलेशन, मेरी पॉपुलेशन। अब मैं ले रहा हूँ सैंपल 2 का, सैंपल साइज 2 है रहा, तो इनमें से रैंडमली कोई 2 आंकड़े लू मैं, ठीक है, मान लीजिए 1 आया 3, दूसरा आया 7, और इनमें से कोई 2 लू मैं, मान लीजिए 1 आया 6, दूसरा आया 10, ठीक है, तो इनका मीन निकालो, इनका मीन कितना हुआ 2 का, 7 और 3 10 बटे 2 5, इनका मीन 5 और 8, इनका मीन हुआ 8, तो ये कितने का अंतर आ गया? 3 का। उनमें भी और बिल्कुल परफेक्टली रिप्रेजेंटेटिव है तो दोनों में अंतर 0 आना चाहिए, पर अंतर आया 3। तो ये जो नल हाइपोथेसिस है वो ये कहती है कि ये अंतर सैंपलिंग की वजह से ही है, ये है नल हाइपोथेसिस, और इसको रिजेक्ट करते हैं हम, ये कहते हैं भाई सैंपलिंग की वजह से नहीं है बल्कि ये अंतर इसलिए है क्योंकि ये वास्तव में इन दोनों में अंतर है जी। तो हमेशा हम जब हम कहते हैं दोनों में सार्थक अंतर नहीं, सार्थक का मतलब ये है कि ये जो अंतर है ये क्या सैंपलिंग की वजह से है या ये इस वजह से है कि पॉपुलेशन में ये अंतर है। इसलिए चाहे आप शोध परिकल्पना बनाओ, चाहे आप डायरेक्शनल बनाओ, चाहे वैकल्पिक बनाओ, अल्टीमेटली टेस्ट नल हाइपोथेसिस से ही की जाती है चीजें। डायरेक्शनल करोगे वो भी नल हाइपोथेसिस से टेस्ट हो रही है, उसमें बताएंगे कल को डायरेक्शनल बताएंगे ना, क्या मैडम? यस सर। अब सवाल यहाँ खड़ा होता है कि नल बनाए फिर डायरेक्शनल क्यों बनाते हैं जब नल ही टेस्ट करनी है। यस सर मेरा भी यही क्वेश्चन था कि मतलब जब हम टेस्ट नल करते हैं तो हम रिसर्च हाइपोथेसिस पहले क्यों बनाते हैं? इज देयर इज एनी ऑर्डर टू मेकिंग बोथ हाइपोथेसिस? हां हां,
तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस अगर हम बनाएं तो वन टेल टेस्ट जो है वो थोड़ा पावरफुल होता है टू टेल टेस्ट से। अगर आपके पास प्रमाण हैं, एविडेंसेस हैं ऑलरेडी कि दिशा आप पहले से बता सकते हैं, जैसे मैंने मॉड्यूल बनाया था अभी रिसर्च मेथडोलॉजी पर, तो मैंने पाया था कि मॉड्यूल मैथमेटिक्स में उपयोगी है, मॉड्यूल जो है वो साइंस में उपयोगी है, तो मेरे यहाँ भी संभावनाएं हैं कि वो अचीवमेंट बनाएंगे बढ़िया। तो मैंने डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाई, तो डायरेक्शनल बनाने का एक लाभ ये है कि वो ज़्यादा पावरफुल है, मतलब आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो डायरेक्शनल जब बनानी चाहिए जब रिसर्च एविडेंस आपके फेवर में है, जब आपको कुछ ज़्यादा पता नहीं है तो आपको नल बनानी चाहिए। ओके 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 सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और किसी हाँ कोई सर, प्रश्न है कोई? वापस आ गए, कोई और सवाल हो एक आधा? जी सर, एक सवाल है सर मेरी तरफ से। जी जी सर धीरज कुमार जी तब बोलो। जी सर नमस्ते। हाँ मैं ये जानना जी चाह रहा था सर, तब इसका मतलब है कि अब हमको टी टेस्ट अप्लाई करने से पहले, या हमको लगता है कोई भी स्टैटिस्टिक अप्लाई करने से पहले नॉर्मलसी का टेस्ट अब आवश्यक रूप से पहले ही कर लेना चाहिए, या जी ये अज्यूम किया जा सकता है कि जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में अज्यूम किया जाता है कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये अजम्पशन ऑलरेडी हम कर सकते हैं, या हमें कर कर ही ये टेस्ट अप्लाई करना चाहिए? नहीं, आपको जब भी टेस्ट लगा रहे हैं उससे पहले नॉर्मलिटी की जांच करनी चाहिए, चाहे और ये किसी तरह के देखना वेरिएबल, चाहिए। हाँ चाहे किसी भी तरह के वेरिएबल हो, साइकोलॉजिकल और नॉन साइकोलॉजिकल। हाँ कितने भी तरह का भाई, जिस उसी वेरिएबल को तो देखेंगे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को तो नहीं देखेंगे नॉर्मल है, जैसे जेंडर को थोड़ा ही देखेंगे कि नॉर्मल है। ये बात उसकी चल रही है जिस जिस वेरिएबल का मीन निकाल रहे हो आप, इसलिए वो बताया था ना स्केल आउटकम वेरिएबल, और जो स्केल वेरिएबल है उसकी अपन नॉर्मलिटी देखेंगे, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी नहीं देखेंगे, जेंडर की नहीं देखेंगे हम, या ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की नहीं देखेंगे। तो सर पहले के जो रिसर्च हो रहे थे उसमें हाँ जितने भी साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स के बारे में हम लोग रिसर्च करते थे कि इसमें डिफरेंस है कि नहीं दो पॉपुलेशन मीन में, हाँ तो उसमें ये सर पहले ही अज्यूम कर लिया जाता था कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसके आधार पर हम लोग वो नल हाइपोथेसिस बनाते थे। तो अब सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि पहले खासकर एसपीएसएस में कि पहले हम नॉर्मल सी टेस्ट करेंगे अपने डेटा की, फिर उसके बाद कोई नहीं टेस्ट लगाएंगे? नहीं वो गलत है, जो ऐसे करना गलत है। ये जो जो मैं रेफरेंस दे रहा हूँ ना आपको, जी सर, ये देखिए ये जो रेफरेंसेस हैं, मैं भी असल में सोच रहा था कि ये रिसेंट मामला है, पहले नहीं करते थे ना, लेकिन ये किताब है, ये जो हमने आपको दिए हैं, जी, ये बुक है, इसकी कीमत है 13 रुपए है। इसका जो पहला एडिशन आया है वो पता नहीं 1900, ये 1950, 1937, 1937 की किताब है, और ये इसके रेफरेंस दे रहा हूँ मैं आपको नॉर्मलिटी और होमोजेनिटी के इस किताब से। तो ये कैसे माने हम कि ये अब कहने लगे, और पहले तो ऐसे ही एज्यूम करके चले आते थे, ऐसा नहीं है। अभी क्या हुआ, अभी हमारे पास सॉफ्टवेयर आ गए बहुत सारे, पहले सब काम मैन्युअली करना पड़ता था। मुझे याद है कि मेरे एमफिल का एक स्टूडेंट था, उसके हमने 2 वे एनोवा लगाया, एनकोवा लगाया, तो हम हाथ से कैलकुलेशन करते थे उसकी, तो बहुत टाइम लगता था कैलकुलेट करने में। तो उस वक्त जो है नॉर्मलिटी भी चेक करो और ये होमोजिनिटी भी चेक करो, तो इतनी कौन मुसीबत मोल लेगा। आज ये ये सुविधा जी हो गई है कि इससे सारे अच्छा, मौजूद हैं, तो आप फट से निकाल सकते हो। ज्यादा तो मतलब रॉबस्टनेस आ जाएगी उस वक्त सुविधाजनक नहीं था, इसलिए कुछ जी। शायद कुछ लोग ना करते हो। हाँ अक्सर नहीं होता था सर, मैं आज जितनी तो क्या, भी आपके चाहे आपके तो वेरिएबल 50 हो, आप दो सेकंड में कर दोगे इसे। तो जी आज तो करो। हाँ बिल्कुल सर, थैंक हाँ यू सर वेरी मच।
और किसी कोई क्वेरी हो प्लीज। एक मिनट आगे किसी का आया, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस रोल ऑफ ग्लास डेल्टा एंड हेज इज इन इफेक्ट साइज कैलकुलेटर सर, ये कल करेंगे, कल। रविंद्र कुशवाहा, ग्लास डेल्टा हेज इज जी कल करेंगे। रविंद्र ओके सर, कुशवाहा ओके सर। जी, आपने कहाँ पढ़ा है ग्लास डेल्टा हेज इज जी? सर एक एक एग्ज़ाम में पढ़ा हुआ था, BHU के PhD के एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया तो उसमें आया था सर ये। तो जब मैंने पहले पढ़ने कोशिश की, जब आपने क्वारंटी पढ़ा था तो मुझे याद आया, इसलिए मैंने पूछा। अच्छा, तो क्योंकि ये जो है ना, हम कराते हैं, मगर आपने हमारी कोई अटेंड तो नहीं करी पहले, ये पूछ रहा हूँ। नहीं सर, आपका क्लास एक बार लिया हुआ था, वर्कशॉप आपने लिया हुआ था ना सर, बरकतुल्ला अच्छा यूनिवर्सिटी अच्छा क्योंकि मैं बताता हूँ, कल बताऊंगा, कल ये दोनों आएंगे के। श्योर हमारे, है सर, ना? श्योर सर, जी सर। ओके, चलिए सर, ठीक है जी, डॉक्टर थैंक यू सैनी। सो मच, थैंक यू सो मच सर। मैं हाँ समझता जी, हूँ कि आज इनको जो है टी टेस्ट कहाँ लगाते हैं, कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, किस प्रकार से लगाते हैं, उसकी बहुत सारी जी बारीकियाँ इन्होंने समझी होंगी। और क्योंकि हम लोग रिसर्च जो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च पे ज़्यादा जोर देते हैं, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में इनके काम आएगी ये टी टेस्ट का जो फॉर्मेट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर, कल फिर आपसे ओके सर, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू थैंक यू सो मच सर, ओ थैंक यू ऑल, वी विल वेट थैंक फॉर। यू सर। बच्चों, थोड़ी सी और मैं आपसे बात शेयर करना चाह रहा था। हेलो, सुन पा रहे हैं? जी प्रिय।